So hey you guys, welcome back to my channel. So you all must be thinking that why am I making this video and what is special about it, right? Aap sabhi ne movies, ads, promos dekhe. But do you know the hard work behind it? Ek 10 second ke liye ad ke liye believe nahi karenge lakhon rupaye kharch hote hain. So here I am, I'll take you to my every set and I'll show you what is the real hard work and fun behind this. So hey you guys, welcome back to my new video. So guys, you know what, I always try to do something new in my video. This video mein main do cheez try kiya. First to maine apna face dala hai, and second jo behind the scenes main aapko dikha raha hu na, uska actual video link wo bhi main description mein dal ke rakha hai. Just please go and check it out. So guys, let's start. So jaise video chalta rahega na, I will explain you everything. So kya ho gaya tha pata hai kya? Pehle main aapko studio ka bata deta hu. You know what, ye studio ka naam hai Mukesh Mill, and Mukesh Mill is one of the haunted place. यहाँ बहुत सालों पहले एक बहुत ही भयानक किस्सा हुआ था, जो मैं आपको यहाँ नहीं बताऊँगा. इफ़ यू वॉन्ट यू कैन गो एंड गूगल इट. सो मैं आपको अभी बताता हूँ, जैसे आप देख रहे हैं चार पांच लोग आए. सो ये इसके लिए आए, रेकी के लिए आए. व्हाट इज़ रेकी? रेकी क्या होता है पता है क्या? डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, DOP, लाइटमैन, आर्ट डायरेक्टर एंड उनके असिस्टेंट, दे कम टुगेदर एंड दे डिसाइड हाउ विल दे एग्जीक्यूट द शूट. सो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद पेंटिंग. तो मैंने आपको हर एक चीज़ तो नहीं दिखा पाऊंगा, क्योंकि हर सब अपना अपना काम कर रहे थे, सब रिकॉर्ड नहीं कर रहे थे. बट मैंने कुछ कुछ अपने टीममेट्स को बोला था रिकॉर्ड करने, एंड जिनने जिनने जो जो रिकॉर्ड किया मैं वो सब क्लिप ऐड करूंगा एंड मैं आपको वो भी एक्सप्लेन करूंगा. सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रिंटिंग. सो प्रिंटिंग का क्या है पता है? ये आ गया था मैं मुकेश फिल्म वर्क में. ये हॉन्टेड नहीं है, यहाँ सब सही, यहाँ कुछ बुरा नहीं है. इनफैक्ट बिग बॉस का जितना भी हुआ था ना शूट प्रिंटिंग का, सब यही हुआ था. सो वॉट मेरा क्या काम था पता है? आपने एक लोगो देखा बकादी का, राइट? तो मुझे वो भी बनाना था स्टील का. मैं आपको दिखा दूंगा बनने के बाद कैसा था, एंड मुझे रेफरेंस किस चीज़ का मिला था. सो अब मुझे ना बकादी का एक बहुत बड़ा लोगो भी प्रिंट करना था, वो मैंने डाल दिया. और जो मशीन दिख रहा है ना जिसपे वो प्रिंट हो रहा है, इट्स मोर देन 15-20 लाख. मतलब जितने जो जो मशीन है वहाँ पर जो आपको दिखा रहा, वो कम से कम कोई 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख के मशीन. तो गाइज, अभी सबसे ज़्यादा मेन चीज़ आ गया था प्रिंट करने, वो था CD. और वीडियो सॉन्ग देखोगे सबसे ज़्यादा फोकस यही CD पे हुआ था. तो मुझे PDF में मिल गया तो कॉन्टेक्स ही कैसा बनाना था. तो मैंने अपने ग्राफिक डिज़ाइनर को दिखाया और उसको मैंने सब समझा दिया कि कैसा बनाना था. अब वीडियो में देख भी सकते हो कि कैसे CD बन रहा है. और अगर आप एक्चुअल वीडियो सॉन्ग देखोगे तो मेन फोकस यही CD पे हुआ था. ए, वीडियो शूट मत कर, खाली उसको भेजते रहते हैं, फिर बाद में पता चलता. सो गाइज, माय प्रिंटिंग वर्क इज ऑलमोस्ट डन एंड प्रिंट होने चला गया सब. सो लेट्स गो टू अ मूवी सेट एंड देखते वहाँ क्या काम हो रहा है, राइट? सो ये जो आपने पेंट देखा, दिस इज नॉट अ नॉर्मल पेंट, दिस इज अ ग्रैफिटी पेंट. एंड द डिफरेंस बिटवीन द ग्राफिक पेंट एंड द नॉर्मल पेंट इज ग्रैफिटी पेंट विल शाइन इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बट नॉट अ नॉर्मल पेंट. सो वी आर यूजिंग ग्रैफिटी पेंट फॉर दिस शूट. एंड आपने अभी जैसे सुना कि सेम दो रिकॉर्ड वीडियोज है, उसको भेजूंगा, विल मेक अ व्लॉग एंड विल पोस्ट इट ऑन यूट्यूब. सो गाइस, आई वुड लाइक टू टेल यू, ऐसे जल्दी लोग आपको बहुत मिलेंगे लाइफ में, जस्ट इग्नोर देम, दैट्स द बेस्ट ऑप्शन है. सो ये सब हो गया, लेट्स गो फॉरवर्ड एंड वहाँ देखते आगे आगे क्या क्या काम किया. चलो ये पेंटर घोड़े पे हाथ रख के खड़ा है, कुछ काम नहीं कर रहा है. ये भी तरह काम कर रहा है, ये हमारा ये पूरे कलर बनाए हुए हर कलर के मारा हुआ. सो गाइस, यहाँ है ना प्रॉपर कॉबलर सेटअप बनने वाला था, प्रॉपर कॉबलर सेटअप. एंड दूसरी जगह देखोगे तो कहीं पे ग्रैफिटी डिज़ाइन बन रहा है, कहीं पे ग्रैफिटी का नॉर्मल पेंट हो रहा है, कहीं पे एक नॉर्मल पेंट हो रहा है, कहीं पे बुक शेल्फ बन रहा है, कहीं पे कुछ और हो रहा है. तो यहाँ काम हो रहा था. बट एक चीज़ बताओ मुझे, कभी आपने सोचा था क्या कि इतना काम होता है शूट पे? लाइक एक नॉर्मल वीडियो से 2 या 2.5-3 मिनट के लिए वीडियो सॉन्ग के लिए इतना काम हो रहा है, ये तो कुछ नहीं है. आप बड़े बड़े शूट पे जाओगे तो इससे 100 गुना ज़्यादा होगा. मैं आपको अपने एक नेक्स्ट वीडियो का एग्जांपल देता हूँ. वहाँ पर मैंने मेरी टीम ने बहुत भागा, हमने प्रॉप्स फाइंड किए, हमने सुबह सुबह जाके प्रॉप्स लोड किया, अनलोड किया, हर एक चीज़ किया. जो जो सुबह 6-6, 7-7 बजे जो मिलना भी मुश्किल, हमने वो भी ढूंढ के कैसे भी करके ले गया. एंड आर्टिस्ट आए सारा अली खान और कार्तिक आर्यन, शायद उनको कहीं जाने का था, वो आए
उन्होंने अपना रिकॉर्ड किया 10-15 मिनट जो था, एंड जो हमने जो प्रॉप्स मतलब जो दूसरा शूट होना जहाँ प्रॉप्स यूज होने वाले थे वो यूज ही नहीं हुआ। ऐसे होते हैं, दैट्स वेरी वेरी वॉन्ट। सो गाइस मैं प्रिंटिंग का काम भी हो चुका था एंड अभी खाली कटिंग एंड पेस्टिंग का काम बचा था। तो यहाँ पर भी अलग लोग होते हैं, उनको ना प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाता है कि प्रॉपर कटिंग का, तो वो सब काम उनका रहता है। तो चलिए ये काम भी हमारा हो गया है। सो गाइस यहाँ पर तो हमारा काम सब खत्म हो गया था, तभी मुझे पता चला कि एक 4x6 फीट का एक मिरर भी चाहिए, एंड लकीली मैं मुकेश के मिरर साइड पर चला गया एंड लकीली हमें एक 4x6 फीट का मिरर एग्जैक्ट साइज का कटिंग करके मिल गया। एंड आपने थोड़ी देर पहले देखा एक डेंटिंग का काम चालू था, राइट, ये डांस प्लस 5 में यूज हुआ था। एंड यहाँ पर तो हमारा मिरर ले लिया हमने, सब हो गया। एंड यहाँ से चलो मैं आपको लेके जाता हूँ लोकेशन पे, वहाँ पे रात के 11 बजे देखो क्या हो रहा था। एक दूसरे के साइज के आए नहीं, इसमें सब अलग अलग है, आप वीडियो में देख सकते हैं हम कैसा लोगों को सेंटी लगाते हैं। ये हमारा वीडियो में ये देखो, एक भी चप्पल हमारी मैच माच नहीं होती है, टीम एक ही आती मैच माच है। जो दाल को काली किए थे, काली मखनी काली दाल बोलते हैं। ये देखो हम लोग बॉक्स में कैसा लेवल छुपा है, ये देखो ये जूता है ससा, ब्रांड जूता ये खास, ये अपने ससा ने लाया, ससा ससा ने लाया, देख सकते हैं आप पूरे बॉक्स में ये पब्लिक को चीजें बनाया जाता है। ये देखो ये देखो ये सब लोग इधर देखो कैसा काम कर रहे, सब अपनी तरह देखो कितना मेहनत कर रहे बेचारे, लेकिन कोई वैल्यू नहीं है, ना कहीं दिखते हैं ना कहीं छुपते हैं। आज हमारे धीरज भाई नहीं है और बाकी कमी इसी की महसूस हो रही है, ये बंदे को सुबह से लेकर शाम तक बहुत मेहनत हुआ है। पूरे वर्कर लोग निचोड़ा जाता है। और ये देखो ये देखो ये देखो ब्रश सिर्फ लेके घूम रहे, सिर्फ घूम रहे हमारे एक्टर, यही आरोपी है। देखो ये घूमते हुए आए, इनके बिना फ्रेम हो ही नहीं सकता, फ्रेम लग ही नहीं सकता। देखो हमारा सीधा, ये देखो चंदू भाई नंबर लेकर है जूते का, देखो ये चंदू भाई, ये अपने पारस भाई बहुत मेहनत किया आज सुबह से शाम तक, इनका पहला वीडियो में इनका पहला आने चाहिए सब। ये अपना जूते का सेटअप, ये अपना साहू क्या नाम है ससा भाई ने लिखा है, ये अपना देखो अश्विन धीरज दिलीप भाई सामान निकाल रहे अगले सूट के लिए, ये देखो अरे हाँ हाँ ये अपने फाइनल सेटअप ये होने, पहले अपना ये ऐसा था ना, ये अपने कंप्रेसर दो दो कंप्रेसर आए, ये विजय भाई देखो झाड़ पे कलर मार रहे, ये विजय भाई देखो कैसे झाड़ के अंदर कलर मार रहे, ये देखो पूरा कलर करके ये पूरा वार लगा दिया प्रोडक्शन वाले सूरज भाई, तो ऐसा मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे सब सब अपने दुनिया में, ये अपने वाल, ये अपना देखो कारपेंटर दादा बेचारा कितना टाइम से मेहनत कर रहा है, अपना देखो हाँ मार कर रहा है धीरज है धीरज को, आज आज का हम लोग का मुश्किल कटिंग सवाल था जो चंदू काम कर रहा है, मैंने देखो ये वीडियो में कुछ बोलना चाहते आप देख सकते हो यहाँ पे मोप नहीं है लेकिन सेट पे काम नहीं रुका, आकिब भाई यहाँ पे कपड़े लेके साफ कर रहे हैं, और आकिब भाई दिखा सकते हो प्लीज, मेरे मप में ये काला कपड़ा लेके इतना गंदा हो चुका है, इससे मैं मप बना के मार रहा हूँ, देखिए आप कितना फ्लोर क्लीन हो गया, और ये अभी अभी पेंट हुआ है, और अपना दादा यहाँ पे और आप पारस भाई को देख सकते हैं इन्होंने कितना काम किया, आप चेहरा दिख नहीं रहा लेकिन फिर भी ठीक है, ये देखिए देखिए पारस भाई देखिए
पूरा फ्लोर क्लीन किया है, इतना बड़ा फ्लोर देख सकते हैं, एक वर्कर पूरा फ्लोर क्लीन कर रहा है और बाकी के सारे काम ही कर रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। सो गाइस फाइनली मैं यहाँ सब काम खत्म हो गया था, अभी खाली मुझे जाना था घर। तो मैं जैसे ही मुकेश से अपना प्रिंटआउट ले घर जा रही था, तभी मुझे पता चला कि मुझे दूसरे शूट पे जाने का था, एंड सब जो मैं प्रिंटआउट से जो आज सुबह से मैंने मेहनत किया ये सब दूसरी जगह जाएंगे। तो मतलब मैं यूज देख तो नहीं पाऊंगा रियलिटी में कि ये लोग कैसे यूज हुए थे, बट मैं वीडियो सॉन्ग में बाद में देख लूंगा। सो जैसे वापस मैं निकल रहा था तभी देखा मैंने आसिम रियाज का पोस्टर, तब मैं उससे पूछा जिसका पोस्टर था कि ये पोस्टर किस लिए, तब उसने मुझे बताया कि ये पोस्टर कल बिग बॉस का मॉल टास्क होने लगा था, वो वहाँ ले जाएगा। एंड गाइज आई एम अ वेरी बिग फैन ऑफ बिग बॉस, ये तो मेरी फैमिली को भी मालूम है। एंड सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ मैं नेक्स्ट वीडियो देखिए, जहाँ मैंने अपना पूरा शूट भी कंप्लीट किया, जहाँ मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि क्या करना है, एंड मैं अपने बिग बॉस के मॉल टास्क में भी गया, एंड मेरा कल का दिन कैसा गया पूरा।